भेज रहे हैं नीतीश कुमार। संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर। और आज की जो तस्वीर हमने देखी, आज की जो तस्वीर आपने देखी, शायद वो कभी ना देखी होगी। और बिहार के लिए एक बार फिर से ये काला अध्याय बन के उभरेगा, क्योंकि आज सदन में आसद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपस में भिड़े। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीखी नोकझोंक हुई। तो एक तरफ जहां आसन का सम्मान करने की बात कही जाती है, एक तरफ जहां सदन में मर्यादा बनाए रखने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर इस तरह की तस्वीरें की शोर इशारा करती है। ये कई सवाल खड़े करते हैं। इस तरह से आज जो तस्वीर बिहार ने देखी, आज जो तस्वीर देश ने देखी, वो तस्वीर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। बजट सत्र के दौरान जो हुआ वो शायद कभी नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइन यही है कि निश्चित रूप से करना। और आप जानते हैं, हर बार हम एक एक बात कहते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं ना हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिए, गाते सर से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और तीन बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है? हाउस को अधिकार है? आप हमको जरा बताइए तो। माननीय कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, मैं आसन की बात सुनी जाए सुन रहा था। आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। मैं आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। तो चेहरा देखा आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, किस तरह से गुस्से में लाल थे नीतीश कुमार, और कहा कि मुझे तकलीफ हुई है इसलिए आज मैं कहूंगा। कभी मैंने कोई भी ज्यादती किसी के साथ हो रही है तो मैंने वो बर्दाश्त नहीं किया है। जो भी रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में जाएगी। सदन में इस तरह की बातें नहीं होती है, इस तरह से सदन नहीं चलता है। विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उनके साथ जो नोकझोंक हुई है वो भी आपने देखा। चलिए सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी उत्कर्ष से। उत्कर्ष, आप वहां थे और आप उस अभूतपूर्व घटना के गवाह भी बने जो घटना आज घटी बिहार विधानसभा के सदन में। बिल्कुल शर्मिला, देखिए सुबह करीब 11 बजे से सदन के सत्र शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए। आमतौर पर मुख्यमंत्री सेकेंड हाफ यानी 2 बजे के बाद सभा में आते हैं या फिर परिषद जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पहले ही पता चल गया था कि प्रश्नोत्तर काल में क्या क्या सवाल है, संजय सरावगी क्या सवाल पूछने वाले हैं, गृह विभाग से संबंधित सवाल है, तो आज मुख्यमंत्री पहले ही सभा में आ गए थे। हालांकि अपने चेंबर में बैठे थे, लेकिन जब संजय सरावगी बीजेपी विधायक हैं दरभंगा से, उन्होंने ये सवाल किया, उसके बाद मुख्यमंत्री आनंद फानंद में सदन के अंदर आए और सीधा सीधी जो तूत महमे वाली स्थिति थी वो बन गई। उनका कहना था कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने की बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो हत्याएं हुई हैं उसके मामले उठे, लेकिन ये मामला कोर्ट में जाने वाला है, ये यानी कि सीधा तौर पर उनका कहना था कि विधानसभा अध्यक्ष संज्ञान नहीं ले सकते, इसका संज्ञान केवल कोर्ट ले सकता है, कोर्ट में फाइल होगा कि क्या मुद्दा है, क्या इस पर बातें हुई। हालांकि केवल सदन ये बातें पूछ सकता है कि उन पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। इन तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार जो थे आज विधानसभा अध्यक्ष पर ज्यादा ही गर्म हो गए और पहली बार इतिहास